नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टेशन ऑफ एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा मैंने लिख रखा है, कूलर, लाइट्स, फैन, टीवी सभी एक साथ फूक जाता है, ऐसा क्यों होता है और अचानक से सब कुछ एक साथ जल जाता है, सब खराब हो जाता है। तो हम इस पर डिटेल में बात करेंगे और ऐसा क्यों होता है, सर्किट बाई सर्किट हम सीखेंगे ऐसा होता क्यों है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप हमारे चैनल स्टेशन ऑफ एजुकेशन पर नए हो, आप चैनल स्टेशन ऑफ एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आसानी से आप हमारी वीडियो देख सकें। तो दोस्तों, आपका टाइम ना ख़राब करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये मेरे पास में एक ट्रांसफार्मर है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट निकालता है। ये थ्री फेस हैं, आर, वाई, बी और ये न्यूट्रल है, ठीक है, ठीक है, आर, वाई, बी और न्यूट्रल। और ये हमारे घरों की सप्लाई है, हाउस वन, हाउस टू, हाउस थ्री, हाउस फोर और हाउस फाइव। यहाँ से 440 वोल्ट ये थ्री फेस सप्लाई आ रही है और न्यूट्रल आ रहा है। ऐसा क्यों है, हमें सिंगल फेस की ज़रूरत है, लेकिन हम थ्री फेस यहाँ क्यों ला रहे हैं लाइन में, वो इसलिए क्योंकि लोड, जो हमारा जो लोड है वो बैलेंस रहे और ट्रांसफार्मर की अच्छी लाइफ आए, इसलिए हम लोड को डिवाइड करते हैं, कैलिब्रेट करके उसको डिवाइड करते हैं कहाँ कितना लोड है और वो तीनों फेसों पर बराबर लोड हो, इसलिए हम थ्री फेस का यूज करते हैं, ठीक है। ये थ्री फेस ट्रांसफार्मर है, थ्री फेस सप्लाई निकाल रहा है, जिससे हम थ्री फेस मोटर भी यूज कर सकते हैं, इसलिए एक ही ट्रांसफार्मर से हम आगे काम ले सकते हैं। तो हमने यहाँ लोड को डिवाइड कर दिया है, ये मैंने यहाँ पांच घरों को दर्शाया है, हाउस वन, हाउस टू, हाउस थ्री, हाउस फोर और हाउस फाइव, ठीक है। हम यहाँ से पहले हमने वाई से लिया है और न्यूट्रल को हमने सबके साथ कॉमन करा है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल है, न्यूट्रल ग्राउंड करके ट्रांसफार्मर का और न्यूट्रल को जीरो करते हैं। ट्रांसफार्मर का जो स्टार वाइंडिंग से निकलता है वो न्यूट्रल निकलता है और उसको न्यूट्रल को ग्राउंड कर देते हैं, जिससे वो बैलेंस हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। दूसरे को हमने ब्लू से दिया है और तीसरे को रेड से, ऐसे यहाँ येलो और फिर ब्लू, ये हमारे पास में पांच घर हो गई, इनको हमने डिवाइड कर दिया, लोड डिवाइड हो गया। ऐसा कब होता है, जब हमारे घर की जो लाइट है वो कूलर, पंखे जो भी हमने लगा रखा होता है, सब कुछ एक साथ ख़राब हो जाता है, वो जलता नहीं, जल जाता है, क्या होता है, ख़राब हो जाता है, वो फिर यूज में नहीं होता, फूक जाता है। ऐसा होता कब है, तो ऐसा एक ही कंडीशन में होता है, जब दो घरों की सप्लाई या आगे सीरीज में आ जाती है। और उस सीरीज में कब आती है, जब हमारा न्यूट्रल ब्रेक हो जाता है, ये सीरीज में जब ही आएगी जब हमारा न्यूट्रल ब्रेक हो जाएगा। अभी क्या है, यहाँ भी न्यूट्रल के साथ में एक फेज जा रहा है, तो 240 वोल्ट यहाँ भी जा रहे हैं और यहाँ भी 240 वोल्ट जा रहे हैं और इसमें भी 240 वोल्ट हैं और यहाँ भी 240 हैं और यहाँ भी 240 हैं, तो सबकी सप्लाई बराबर है 240 वोल्ट, सब पे सिंगल फेज है। लेकिन जब सीरीज कैसे बनेगी और कब हमारा ये जाएगा, वोल्टेज ज़्यादा होंगे उसका, जब वोल्टेज हमारे ज़्यादा होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, न्यूट्रल ब्रेक हो जाएगा, क्या होगा, न्यूट्रल ब्रेक हो जाएगा। जैसे यहाँ से न्यूट्रल ये ब्रेक हो गया, क्या है, डिसकनेक्ट हो गया, तो इधर इन दोनों घरों की सप्लाई क्या हो गई, सीरीज में आ गई। तो यहाँ ये हमारा बड़ा घर है, ज़्यादा पावर यूज कर रहे हैं ये और यहाँ कम हो रही है, तो जहाँ कंजप्शन कम है, जहाँ लोड कम है, तो वहाँ क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। और जहाँ हमारा कंजप्शन ज़्यादा है, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन से ओम्स लॉ से, जो भी हमारे फॉर्मूल्स हैं, कैसे कम रेजिस्टेंस, कम पावर पर कैसे वोल्टेज इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम यहाँ देखेंगे, ये सीरीज में न्यूट्रल ब्रेक हो गया और इस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ
लोड कम होने की वजह से वोल्टेज इंक्रीज हुआ, वोल्टेज बढ़ गया, जहाँ 240 होना था वहाँ 300 हो गया, और यहाँ वोल्टेज 100 हो गया या 140 हो गया, 110 हो गया, वही वोल्टेज यहाँ। अभी ये दोनों घर सीरीज में आ गए, क्या है 440 वोल्ट, 420 वोल्ट दोनों सीरीज में हैं, तो यहाँ वोल्टेज बढ़ गया और यहाँ कम हो गया वोल्टेज, तो इस घर का क्या होगा, जो लाइट्स कूलर्स पंखे जो भी लगा हुआ है सब कुछ फूक जाएगा हाई वोल्टेज की वजह से। समझ में आ रहा है, ऐसा एक ही कंडीशन में होता है जब न्यूट्रल ब्रेक हो जाता है और दो घरों की सप्लाई सीरीज में आ जाती है, ठीक है। और अगर हमारे यहाँ यहाँ से ब्रेक हो तो तीन घरों की आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, यहाँ हम स्टार, और फिर भी लोड जब तक लोड बैलेंस नहीं होता तो अनबैलेंस ही रहेगा वोल्टेज, समझ रहे हो, क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारा चैनल स्टेशन ऑफ एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इलेक्ट्रिकल से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को भी ऑन कर दें जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए और आप आसानी से हमारी वीडियो देख सकें। तो दोस्तों आपको पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।